ये भाई मैं चाह रहा हूँ कि बारिश का मौसम ना निकले एंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पैकिंग। अपना बैग ये रखा हुआ, बैग में सामान वगैरह रखते हैं। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं अपना कपड़े वगैरह। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और भाई ये व्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और कल भी बहुत बिजी थे। आज फ्री हुए हैं तो आज से रेगुलर व्लॉग स्टार्ट। एंड सचिन जी आए हैं, इनकी आँख फूटी पड़ी है इस टाइम पे। सचिन जी अपनी शक्ल दिखाओ थोड़ी सी। बड़ी उधर से बढ़ाते तो भाई उधर से शटर डाउन करके आज चलते हैं हम बाहर मार्केट में। पहले मैं लूँगा कपड़े अपने लिए, देन चलते हैं बाहर। तो भाई डन विद द शॉपिंग, क्या लिया है हमने वो बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं उधर की तरफ, कुछ पहले कोर्ट रोड चलते हैं, है ना। कोर्ट रोड चलते हैं पहले। फाइनली गाइस टाइम टू ईट समथिंग। इसमें है रसमलाई जो मैं नहीं खाता बिल्कुल भी। फिलहाल ये खाता अपना खाना। तो भाई वापस आ चुके हैं अपना वापस घर पे एंड अब मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई कल सुबह निकलने की, क्योंकि मेरा प्लान है कल मॉर्निंग में निकलने का देहरादून। और मौसम देखें तो भाई थोड़ा सा बारिश वाला ही हो रहा है, मौसम हो रहा है बारिश वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह निकलेंगे हम। मैं चाह रहा हूँ कि भाई सुबह 5 बजे जल्दी निकल के वहाँ जल्दी पहुँच के उनको पेमेंट वगैरह पकड़ा के आराम से रेस्ट करके, क्योंकि दोपहर में पहुँचेंगे फिर थके हुए होंगे, फिर रेस्ट करेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। कल आराम से पहुँच के जल्दी रेस्ट करके सो के उसके बाद आराम से भाई निकलेंगे वहाँ पर टूर पर। कल और परसों का दिन मैं सोच रहा हूँ कि टूर कर लें वहाँ पर, ताकि थोड़ा सा यार ठीक ठाक सा हो जाए, टूर निकल जाए। क्या ना उसके बाद तो भाई क्या पता कब सही से टाइम मिलेगा, क्योंकि बारिश का मौसम निकलने वाला है। इसलिए भाई मैं चाह रहा हूँ कि बारिश का मौसम ना निकले एंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पैकिंग। अपना बैग ये रखा हुआ, बैग में सामान वगैरह रखते हैं। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं अपना कपड़े वगैरह का सीन क्या है। खाना तो हम बाहर खा के आ गए इसलिए हमें यहाँ पर अब कोई लेना देना नहीं है। ये शॉर्ट्स रखने वाला हूँ मैं परमानेंट के लिए, मतलब ट्रैवल के लिए, जो कल और परसों हम बाहर घूमने वाले हैं पहाड़ों में, पहाड़ों में या जो भी बारिश वाली जगह में आए। इससे क्या होगा, आप कंफर्टेबल रहोगे और मतलब कंफर्टेबल रहेंगे हम। रेन का सीज़न है ना तो चिपचिपा वगैरह कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा, बिल्कुल ओपन रह के घूमेंगे भाई, खुला पसंद है भाई। घूम रहे हो तो यार दिखा के क्या करना कपड़ों का, अपना आराम से स्टाइलिश वगैरह बन के जाओ, कम्फर्टेबल हो के जाओ, ताकि आप मस्ती से घूम सको, इन्जॉय कर सको। ये बकलोलियाँ नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए ये तो वो पक्का हो गया शॉर्ट्स में। एंड ऊपर भी मैंने वो कर स्लिप स्लिप दे रखी है ना, वो ढूंढता हूँ वो कहाँ रखी हुई है एंड देन फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो भाई नहा धो के अपना आराम से इसलिए फ्रेश एंड अब भाई यार बहुत ज़्यादा तने हो गए हैं यार फेस पे भाई, पता नहीं क्या है, फेस वॉश भी अब तो चेंज कर लिया मैंने, बट खैर कोई नहीं। अभी आराम से फ़ोन वगैरह मैंने फुल चार्ज कर लिया है कल मॉर्निंग के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में निकलने वाला हूँ भाई मैं सुबह 5 बजे। कोशिश करूँगा ये 5 या 6 बजे के अराउंड मैं निकल जाऊँ यहाँ से एंड कपड़े वगैरह सब मैंने डाल लिए, पैक कर लिए सही से। क्या ही कह रहे यार, और भाई थक इतना ज़्यादा गया हूँ ना मैं इस टाइम। नीचे देख लो यार, नीचे बाइक अपनी भारी खड़ी हुई है, अभी शटर वगैरह मैंने अपना डाउन किया। बाइक या तो अंदर करूँगा शायद या बाहर ही खड़े रह दूँगा, क्योंकि सुबह बाइक लेके जानी ही है एंड सामान वगैरह अपना सारा ऑलमोस्ट डन ही है, कपड़े वगैरह भी, वॉच अपनी, और भाई कुछ इधर नहीं है ना शूज़ वगैरह। शॉर्ट्स में लाऊँगा यार, शॉर्ट्स और अपना नॉर्मल कैजुअल सैंडो, ताकि रिलैक्समेंट मिले बढ़िया तरीके से। और कुछ दिमाग से निकल तो नहीं रहा यार मेरे, बैग में सामान अपना पूरा फिट हो गया ठीक है। वैसे इतने बढ़िया जगह नहीं घूमने जा रहा है, ज़्यादा वैसे मस्ती के लिए ही हूँ मैं। वैसे मेन तो मेरे को काम है भाई, जो सच बात है काम है, लेकिन काम है मेरे को सिर्फ 1 घंटे का। 1 घंटे के काम के लिए मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फरार होने वाला हूँ भाई, और निकल भी जाना चाहिए यार, क्योंकि यही टाइम है मेरे पास अब कि घूमने जा सकूँ। और हो सकता है कि मेरी अगर किस्मत चल जाए तो भाई दुनिया पार हो सकती है, लेकिन वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, इसलिए अभी कुछ कहता तो नहीं है ना ये सब। एंड भाई ट्रिप पे जाने वाले हैं मैं और मैंग ओनली,
और शायद अगर कोई वहाँ पे आता है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तो वो चल सकता है, बट अभी के लिए हम जाने वाले हैं। सचिन इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसकी आँख में भी थोड़ी प्रॉब्लम है और उसका एग्ज़ाम भी है 24th को, तो इसलिए भाई सचिन तो जाने वाला है नहीं। मैं जाऊँगा अकेला और मैं नहीं जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली बाइक से ही हम जाने वाले हैं सब जगह। तो भाई इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि हमें सोना भी है भाई, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठना है, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा मैं, ठीक है, हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।